टूथब्रश में ये लाइंस क्यों होते हैं? बचपन का ये कौन सा शो था जो आपको 80% डिप्रेशन में डाल रहा था और आप इसे ऐसे ही देखते जा रहे हो? कैसे ये वेदर न्यूज आपको जानबूझकर पूरा गलत बताई जाती है? रीजन होश उड़ाने वाला है। और आपने कई बॉटल्स में ये ऐसा कर्व देखा होगा, लेकिन एक्चुअली में किस काम का होता है? रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मार देना यार। नंबर 17, यार जो नोटबुक हम यूज करते हैं वो ऐसे ही सेम शेप की नहीं बनती। नोटबुक्स को काफी बड़ा बनाया जाता है, उसके बाद उन्हें प्रिंट करते हैं और उसके बाद उन्हें कट करते हैं। जैसे कि पहले उनको बीच से अलग करके दो मीडियम साइज के नोटबुक में बनाते हैं और फिर उनको फिर से कट करके प्रॉपर शेप में काटा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि छोटे पेपर कट करके फिर उनसे बड़ी बुक बनाना ज्यादा मेहनत का काम है। उससे अच्छा बड़ी नोटबुक को कट करके छोटी बनाया जाए। नंबर 16, आपके सिंपल से हैंडराइटिंग देख कर भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर किसी के हैंडराइटिंग बहुत छोटी है तो व्यक्ति काफी शाही है, इसी के साथ वो स्मार्ट और पढ़ाई में भी काफी अच्छा होता है। और वही जिन लोगों की हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है वो अक्सर ज्यादा बोल्ड लोग होते हैं और इन लोगों को बाहर जाना भी पसंद है और इन्हें अटेंशन भी काफी अच्छा लगता है। हाँ, ये सबके लिए तो सेम नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी लोगों के साथ ऐसा ही देखा गया है। नंबर 15, AI और VR टूल्स पढ़ाई को हमेशा के लिए चेंज करके रख देंगे। जैसे कि ये देखो, एप्पल के VR सेट का किस तरीके से पढ़ाई करने के लिए डिटेल में यूज हो रहा है। इतना ज्यादा डिटेल में हार्ट की स्टडी शायद ही कर पाएगा। यहाँ पर हर एक चीज का 3D मॉडल के जरिए एकदम ही बारीकी से देखा जा सकता है। और माना ये चीजें YouTube पर भी मिल जाएंगी, लेकिन स्क्रीन पर देखना और VR हेडसेट में देखना बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। नंबर 14, जापान में खाने के सबसे अजीब वर्जन मिलते हैं। यहाँ पर तो लेस के भी अजीब अजीब वर्जन है, जैसे कि ऑक्टोपस फ्लेवर, फिर एक बार देखो ईल फ्लेवर की आइसक्रीम। ईल एक ऐसी मछली है जिसे कई लोग खाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब दिखती है, लेकिन जापान में इसे बड़े टेस्ट साथ खाया जाता है। और ये वही मछली है जो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करती है और लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है और इसी वजह से इसकी फ्लेवर आइसक्रीम में आती है। चलो माना इस मछली का टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन आइसक्रीम के साथ तो ये बहुत बेकार ही लगता होगा। नंबर 13, कई बार तो सर्वे के हिसाब से ये पता चलता है कि इंडियन टेलीविजन शोज जो है वो सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग शोज में से एक है और इसी वजह से 80% से भी ज्यादा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स टेलीविजन को देखते ही नहीं। और ये सेम बात फॉरेन बच्चों के लिए नहीं है, फॉरेन में कई ऐसे शोज आते हैं जो कि सारे एज ग्रुप के लोग बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वही हमारे टेलीविजन डेली शोज काफी ज्यादा डंप और बिना प्रॉपर स्टोरी लाइन के होते हैं। नंबर 12, नेक्स्ट आने वाले अप्रैल 8 को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको 375 ईयर्स के बाद मिलेगा। दरअसल इस दिन सोलार एक्लिप्स होने वाला है और ये प्रॉपर सोलार एक्लिप्स होगा जिसकी वजह से दिन में आपको थोड़े पल के लिए अंधेरा देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और जो एनिमल्स हैं वो भी थोड़ा मूडी एक्ट करने लगेंगे। बेसिकली आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो इस चीज को गलती से भी मिस मत करना। हाँ, लेकिन इस टाइम के हिसाब से हो सकता है वर्ल्ड के कुछ पार्ट में ये उतना भी सही से ना दिखे। नंबर 11, वेदर फोरकास्ट वाले जब भी रेन होने के चांसेस बताते हैं तो उसे वो काफी ज्यादा एग्जैगरेट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और कई बार तो ये थोड़ा फेक भी बताते हैं इंक्रीज करके कि आज बारिश होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी होता है फिर भी हमेशा एक्चुअल चांसेस ज्यादा ही बताए जाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कम बताया और सच में बारिश हो गई तो लोग इस बात से काफी नाराज होंगे, और ज्यादा बताने के बाद अगर बारिश नहीं होती तो लोग उल्टा खुश ही होंगे। नंबर 10, क्या आप वैम्पायर्स में बिलीव करते हो? वैसे मोस्टली लोग इसे बस माइथोलॉजी या फिर फिक्शन मानते हैं, लेकिन उसमें 5,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो सच में वैम्पायर है, यानी कि उनका मानना है कि वो कम्प्लीटली वैम्पायर है। वो इस चीज को छुपा कर रखते हैं, पर फनी बात तो ये है कि इन्होंने खुद ही सबको बता दिया कि एक वैम्पायर है। और हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी स्किन काफी ज्यादा लाइट दिखती है या फिर इनके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो इसी वजह से इन्हें लगता है कि ये वैम्पायर है। नंबर 9, रेनबोज देखने में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, पर आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि अर्थ एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर आप रेनबोज देख सकते हो। हाँ, ये इतना ज्यादा प्रेशियस होता है, लेकिन उसके बाद भी हम इन्हें लाइट नहीं लेते हैं। और कई सारे रिसर्च में पता चला है कि रेनबो को देखने से डोपामिन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा लगता है। नंबर 8, हमारा दिल जो कि हमारे पूरे भारी भरकम शरीर को चला कर रखता है, उसका वेट कितना होता है? वो 1 पाउंड से भी ज्यादा कम है, यानी कि ऑलमोस्ट आधे केजी का हमारा दिल होता है। हमारा दिल बड़ा दिखने के बाद भी अंदर से एम्प्टी होता है क्योंकि वहाँ पर एयर सॉकेट्स होते हैं और इसी वजह से वो बहुत सारा हल्का होता है। उसके बाद भी ये हमारे बड़े से शरीर को चढ़ा पाता है। नंबर 7, अमेरिका के एक आदमी ने अमेरिका के बैंक के ऊपर केस कर दिया था कि इन्होंने मेरे घर को इलीगली गिरवी रख लिया है, यानी कि इन्होंने ये सही नहीं किया। और कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि ये आदमी बिल्कुल सही था और इसीलिए फिर अमेरिका बैंक को इस आदमी को कम्पेंसेशन देना पड़ रहा था, लेकिन अमेरिकन बैंक ने इस आदमी को
फीस नहीं दी, जिसके बाद इस आदमी ने बैंक की प्रॉपर्टी को ही गिरवी रख लिया। यानी कि जहाँ पर बैंक बनना था वहाँ पर जाकर उसने कह दिया कि फीस नहीं दोगे तो ये बैंक की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। नंबर 6, कई लोग कहते हैं कि जब हम जोर से छींक मारते हैं तो हमारा दिल कुछ नैनो सेकंड्स के लिए रुक जाता है, पर ये बात बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं होता। हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप करता रहता है और इसके बीच थोड़ा सा ब्रेक तो लेता ही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में, क्योंकि नॉर्मल है, जो हमारे बॉडी के सारे मसल्स करते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि ये चीज छींक मारने की वजह से हुई है। छींक मारने से आपका दिल बिल्कुल भी रुकता नहीं, ये बस एक मिथ है। नंबर 5, वैसे तो मॉरली मेल और फीमेल में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, पर बायोलॉजिकली काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। अगर सिंपल से सिंपल चीजों को नोटिस करें तो, जैसे कि मेल्स जो है वो छोटी चीजें फीमेल के मुकाबले ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ये नेचुरल है। और यहाँ तक कि मेल के रिफ्लेक्सेस भी अच्छे होते हैं और वो डिटेल्स को ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं। और वही जो फीमेल है वो मेल्स के मुकाबले ज्यादा कलर देख पाते हैं, यानी कि फीमेल को कलर जितने ज्यादा डिफरेंट और ब्यूटीफुल दिखते हैं उतना मेल्स को हमेशा नहीं दिखते। नंबर 4, मध्य प्रदेश में रहने वाले एक आदमी को जेल हो गई थी और जेल में वो वोकेशनल जॉब मिलती है जिसमें आप कोई भी जॉब सीख सकते हो जो आप जेल के बाहर जाने के बाद कर सकते हो। तो उसमें इस आदमी ने प्रिंटिंग करना सीखा और उसके बाद जब इसे जेल से बाहर भेजा गया तो इसने फेक नोट्स प्रिंट करके घर पर ही अमीर बनने का प्लान किया और ये काम शुरू भी कर दिया था। पर ऑब्वियसली कुछ ही देर बाद इसे पकड़ लिया गया और फिर इसे ही जेल हो गई, यानी कि जेल में रहकर भी गलत काम ही सीख रहा था। नंबर 3, बाकी सब मछलियों से अलग शार्क्स के पास एयर ब्लैडर नहीं होते, जिसकी वजह से शार्क्स को कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है सांस लेने के लिए। अगर वो स्विमिंग करना बंद कर देंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, यानी कि वो पानी में डूब के मर सकते हैं, और इसलिए उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने आप को फिगल करते रहना पड़ता है। हाँ, इसलिए उन्हें सोते हुए भी स्विम करना पड़ता है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि कई सारे बॉटल में इस तरीके का एक कर्व दिया जाता है और ये बस डिजाइन नहीं है, इसका काम होता है। सबसे पहले जब बॉटल को फ्रिज में रखा जाता है तो कुछ बॉटल में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ऐसे में वो फ्रीज होने पर एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये कर्व नहीं दिया जाएगा तो एक्सपैंड होने पर बॉटल्स टूट सकती हैं, और ये कर्व एक्चुअली में बॉटल को ज्यादा स्टेबल और मजबूत बनाता है। और इसके बाद एक काम ये भी है कि इसे हाथ में पकड़ना ज्यादा आसान हो जाता है, ये डिजाइन ग्रिप के लिए ज्यादा अच्छा होता है और इसे आप पकड़ के शेक भी कर सकते हो और ये आपके हाथ में नहीं गिरेगा क्योंकि इसका शेप ऐसा है। और उसके बाद एक आखिरी काम ये भी है कि आप इसे स्क्वीज कर सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो इन बॉटल्स को स्क्वीज करना नॉर्मल बोतल के मुकाबले ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये शेप उसे फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 1, टूथब्रश के अंदर आपने ये वाली लाइन कई बार देखी होगी। कई लोगों को लगता है कि ये टंग को क्लीन करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लाइंस इसके नीचे होते हैं या फिर टूथब्रश के पीछे होते हैं ब्रिसल्स के ऑपोजिट में, पर इसका काम अलग है। दरअसल कई जगह पर छोटे बच्चों के टूथब्रश कई बार नहीं मिलते और कुछ जगह पर ये नॉर्मल से ज्यादा महंगे होते हैं, तो ऐसे में जो छोटी लाइंस होती है ये बनाई जाती है ताकि छोटे बच्चे भी टूथब्रश को पकड़ सकें। यूजुअली वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथ काफी छोटे होते हैं और टूथब्रश नीचे से काफी मोटा होता है और ऊपर पतला होता है, और इसलिए वहाँ पर ग्रिप दी जाती है ताकि बच्चे और अच्छे से पकड़ सके। और टूथब्रश की बात कर ही रहे हैं तो एक बार देख लो दुनिया के सबसे छोटे टूथब्रश को, ये बहुत ज्यादा क्यूट तो है पर उसी के साथ ये काम भी अच्छे से कर लेता है। इसे देख कर लगता होगा कि इतने अच्छे से वर्क नहीं करता होगा, पर ये एकदम अच्छे से ही वर्क करता है, और ऑब्वियसली बड़े वाले टूथब्रश जितना एफिशिएंट नहीं।